राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज जो है जयपुर पधारे। रास्ते में उनका जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया, साथ में कई जगहों पर जो है स्वागत का कार्यक्रम भी रखा गया, क्योंकि नवनियुक्त किए गए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जोरों शोरों के साथ में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहाँ आज जो बीजेपी कार्यालय के अंदर पदभार ग्रहण करवाया गया, जहाँ पर तमाम नेता मौजूद रहे। साथ के अंदर अब प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद अब जो है राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव पास में है तो अब नई प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलेगी। साथ में पोस्टर भी बदले जा चुके हैं, क्योंकि जहां पहले एक और सतीश पूनिया जब जो है प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनको पोस्टर में जगह नहीं मिली। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया पोस्टर में जगह भी बनती रही, लेकिन अब जो है एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राजस्थान के लिए जो सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बीच के अंदर देखना होगा कि क्या रणनीति तैयार की गई होगी, और जिसके बाद में अब राजस्थान चुनाव को लेकर सारी रणनीति तैयार करने के बाद अब आने वाले चुनाव के अंदर किस तरह की तैयारियां देखने को मिली। साथ में आज जो है पदभार ग्रहण करते समय सीपी जोशी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है मिलकर काम करेगी और हमारा जो एजेंडा है उसके हिसाब से काम करेंगे, ना किसी फेस को लेकर। हालांकि देखा जाता है कि आम उमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब से सत्ता में आए, प्रधानमंत्री के पद पर आए, तब से एक नीति तय की गई कि जो है किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है ये कभी डिसाइड नहीं होता। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है, और इस बार भी राजस्थान के अंदर जहां तक रणनीति देखी जा रही है उसके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखना ये होगा कि अभी सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर किस तरह से राजस्थान की राजनीति रंग लेकर आती है, जहां अभी बीजेपी एक तरीके से पूरे जोश और होश के साथ में इस बार जो है तैयारियों में लग चुकी है पहले भी, और अब जो है आगे की रणनीति बदलकर जिस तरह से सीपी जोशी के नेतृत्व में ये काम किया जाएगा, देखना ये होगा कि अब जो है अब से जो पदभार ग्रहण करने के बाद में अब जो सीपी जोशी की क्या आने वाली जो नीतियां रहने वाली है जिसको लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि इस वक्त जो है स्वागत के दौरान सीपी जोशी है मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने साफ तौर पर यह कर दी कि हम मिलकर जो है काम करेंगे। और एक चीज़ यह भी है जो बीजेपी के अंदर इतने दिन कटाक्ष के रूप में ये चीज़ देखी जाती थी कि बीजेपी के अंदरूनी जो है कलह है वो भी निकल कर सामने आती थी, लेकिन अब शायद ये चीज़ें दूर होगी, क्योंकि देखा जाता है कि जो सीपी जोशी को वसुंधरा राजे के भी करीबी माना जाता है। साथ में इस बार ये भी देखना होगा कि आम उमन के ऊपर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है बीजेपी के अंदर वो वसुंधरा राजे को ही कोई देखा जाता है, लेकिन इस बार हो सकता है कि इसमें भी बदलाव देखने को मिले, क्योंकि जो नीति तय की गई है और बदलाव एक निरंतर एक नई चीज़ देखी जाती है, क्योंकि बदलाव होना ज़रूरी भी है, क्योंकि चुनाव के साथ साथ आने के पास जैसे ही बदलाव होते हैं तो उसमें नई रणनीति भी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए, मैं अकेला नहीं, टीम राजस्थान मिलकर काम करेगी, सभी वरिष्ठों का, बड़ों का मार्गदर्शन और सहयोग लेते हुए, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, चूंकि मैं कार्यकर्ता हूं, तो हम सब लोग एक टीम राजस्थान बनकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। और यह निश्चित है कि 2023 में राजस्थान में नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम सब लोग लेंगे। देखिए, सब आप लोग आ रहे हैं, वहाँ बात करेंगे निश्चित रूप से। दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।